जम्मू कश्मीर में कोरोना के 470 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 372 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 478 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 115 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 102 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 368 नए मामले सामने आए। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 25,367 हो गया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जम्मू में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसी को लेकर मिनी स्टेडियम जम्मू को तैयार किया जा रहा है, वहीं परेड की रिहर्सल भी की जा रही है। इस स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा बल भी पूरी तरह से तैयार है। वहीं SSP जम्मू श्रीधर पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार समारोह पूरी तरह से सादगी से मनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि उस दिन लोग घरों पर रहकर स्वतंत्रता दिवस मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें। वहीं उन्होंने कहा कि इस दिन को लेकर जो थ्रेट्स हैं, उसके मद्देनजर सुरक्षा को चाक चौबंद और कड़ा कर दिया गया है और पूरे इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन पाकिस्तानी सेना सैनी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रही है। इसी क्रम में बीते दिन पुंछ जिले के कृष्णा घाटी में आतंकवादियों के एक समूह ने सीमा पार से घुसपैठ करने की कोशिश की। सतर्क और चौकस भारतीय सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को मार गिराया व दो अन्य आतंकियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को मौके से AK-47 राइफल, दो मैगजीन व अन्य गोला बारूद बरामद हुए। वहीं खाने पीने की वस्तुएं भी बरामद की गयी, जिन पर मेड इन पाकिस्तान लिखा था। यूटी जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वजूद में आने से आम जनता खुश थी कि अब हर शहर कस्बे में पार्षद उनकी समस्याओं को हल करेंगे, विकास कार्यों में तेजी आएगी। लेकिन सबका चिट्ठा बरसात के मौसम में खुल जाता है। ये नजारा है अखरूर कस्बे के वार्ड नंबर 8 का। म्युनिसिपल कमेटी सिर्फ दौरे कर आश्वासन देती है। इस वार्ड में पानी की निकासी के लिए ठेकेदार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। अपने चहेते ठेकेदारों को काम देकर जनता को परेशान किया जाता है। लोगों का हाल देखिए कि घरों के आगे तालाब बन गए हैं और गंदा पानी घरों में घुस गया है। बड़े बड़े विकास के दावे किए जाते हैं पर जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आता। देश के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर में भी COVID-19 महामारी के चलते धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी है। लोगों द्वारा अपने तीज त्योहार घरों पर ही मनाए गए, चाहे ईद हो, रक्षाबंधन, अमरनाथ यात्रा, मचेल यात्रा, बाबा बुद्धनाथ अमरनाथ यात्रा, जनता ने प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन किया। अब आ गई कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। जम्मू में कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। बाजार में दुकानें सामानों से भरी पड़ी हैं। लोग अपने अपने तरीके से खरीदारी करते नजर आए। लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। लोग राधा कृष्ण की जोड़ी, झूला व अन्य सामान खरीदते नजर आए। पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को लगातार 8वें दिन भी नियंत्रण रेखा पर पुंछ के कृष्णा घाटी, केरणी कस्बा और बालाकोट सेक्टर में सेना की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। गोलाबारी से दहशत में आए लोग सुरक्षित स्थानों पर पनाह लेकर जान बचाई। बालाकोट में कुछ घरों को नुकसान पहुँचने की सूचना है। सेना की तरफ से भी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने मीडिया ट्रायल और अभिनेता की मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार अपनी याचिका में रिया ने ये भी कहा कि बीते एक महीने में सुशांत की तरह अभिनेता आशुतोष भाकरे और समीर शर्मा ने भी आत्महत्या की है, लेकिन इन मामलों में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर राजनीतिक गहमा गहमी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA में शामिल राजनीतिक दलों के बीच खटपट की खबरें सामने आ रही है। इसकी शुरुआत लोजपा लोक जन पार्टी ने की है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।
चिराग ने राज्य में कोरोना संकट को लेकर नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, फिर वो राहुल गांधी से मिले। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। सूत्रों के अनुसार सचिन पायलट ने दोनों नेताओं के सामने उन स्थितियों के बारे में बताया जिसमें उन्होंने ऐसा फैसला लिया। पायलट ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के विरोध में कुछ नहीं किया, वो अशोक गहलोत का विरोध कर रहे थे।